हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। सो एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग, थर्ड चैप्टर ऑफ फिजिक्स, वर्क एनर्जी एंड पावर। बहुत ही दमदार, बहुत ही मज़ेदार चैप्टर होने वाला है। इंट्रोडक्शन है, सो इम्पॉर्टेंट क्या है कि एक एक बात को जो आज मैं बोलने वाला हूँ वो सब बिल्कुल ध्यान से सुनना है। चैप्टर ईजी हो जाएगा, कुछ भी मिस किया थोड़ा सा प्रॉब्लम करेगा, बट बहुत अच्छा चैप्टर हमारा, ठीक है। सो वर्क एनर्जी एंड पावर, वर्क एनर्जी एंड पावर, ठीक है, थ्री पार्ट्स। अभी बेटा इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट क्या रहता है अपने पास, ये वर्क। वर्क समझ गए, एनर्जी और पावर तो ऐसे हो जाएगा पूरे, है ये दोनों। एनर्जी समझ लें, इसके बाद पावर तो बहुत ईजी। सो ये सब इसके अंदर में, एक बार वर्क एक एक पॉइंट को समझने वाले हैं। सो थोड़ा सा एग्जांपल, इंट्रोडक्शन है तो थोड़ा सा बातें भी हो जाती हैं और धीरे धीरे फिर हम लोग अपने चैप्टर में एंटर करते हैं, बिल्कुल से नहीं जाएंगे भाई, फॉर्मूला लिख दिया भाई, रटो रटो रटो, वो सब नहीं, एक एक पॉइंट, ठीक है। सो कुछ एग्जांपल्स वगैरह से बात करेंगे आराम से, चलो आपकी पढ़ाई से पढ़ने से रिलेटेड बात हो रही है। चलो अगर मैं आपको ये बोलूं यार कि सपोज, चलो आपने घर में सबको मनाया कि फ़ोन दे दो, ये क्लास देखना है, नोट्स बनाना है भाई, पढ़ाई करना है, और पढ़ने के बाद आपसे ये पूछा गया कैसा हुआ सब कुछ, और ये बोला जाए दैट योर वर्क डन इज जीरो, बेटा दिल से बुरा लगेगा, दिल से बुरा लगेगा कि यार ये क्या हो गया, अच्छे खासे नोट्स बना दिए, सब कुछ बिल्कुल कंप्लीट किया, एक एक पार्ट हमने अच्छे से सुना, और पेरेंट्स ने ये बोल दिया दैट योर वर्क डन इज जीरो, ठीक है, एक तो ये हो गया। इनके हिसाब से स्कूल में जा रहे हैं, क्लास अटेंड किया, एग्जाम चल रहे थे, अच्छे आंसर्स भी लिखे, और घर आने के बाद जब ये पूछा गया कैसा हुआ पेपर, मस्त, जिलेमेट बिल्कुल टाप कर देंगे इस बार तो, बिल्कुल बिंदास, आगे पीछे सब देख देख के सब छाप दिए हैं, और पेरेंट्स से बोल देना झूठ बोल रहा है, फिर से इसका वर्क डन जीरो है। थोड़ा सा डाउट आएगा यार ये क्यों हो रहा है भाई, पढ़ाई की बातें हो रही हैं और वर्क डन की बात हर बार जब भी आते हैं, जब भी पढ़ाई की बात आती है वर्क डन बोल रहे जीरो हो रहा है, ठीक है यार। ऐसा भी तो हुआ, आपके बगल में कोई ऐसे बैठा था, कुछ भी नहीं आता था, पूरे टाइम मस्त बैठा रहा, और बाहर निकल के आपको ऐसे देख रहा है, बिल्कुल हंस रहा है, क्या हो गया भाई, कह रहा है मेरा वर्क डन तो जीरो था, मैं तो बैठा रहा, बट अकॉर्डिंग टू जो हम लोग डेफिनेशन यहाँ पे देने वाले हैं उसके अकॉर्डिंग उसने बोला तुम्हारा भी तो वर्क डन जीरो, इतना आता था, बाकी बैठा रहता था, इतना होशियार था, उसको ये मालूम था कि यार वर्क डन होता क्या है, देखो इतना होशियार था, तो माइंड में आने लगा यार ये क्यों हो रहा है। अच्छा खासा पेपर लिखा, घर में आने के बाद पेरेंट्स ने भी बोला यार वर्क डन जीरो, एक तो एग्जांपल। चलो सेकंड एक और बात करते हैं, वही लड़का जो हंस रहा था, खेलने में अच्छा था, खेलने गया, फुटबॉल का मैच था, आपको गोल पे गोल, गोल पे गोल करके आया भाई, कपड़े वपड़े भी गंदे हो गए थे, अच्छा खेलता है, और उधर से आने के बाद जब पेरेंट्स ने देखा अरे वाह मेरा लाल बिल्कुल कपड़े वपड़े गंदे किए, क्या हो गया भाई, मम्मी गोल पे गोल, गोल पे गोल किए हम लोगों ने, वो गले लगा दिया उसको, जब पूछा क्या बात हो गया, मम्मी खूब अच्छे मैंने गोल किया, अरे मेरा लाल, अरे वाह मैं बिल्कुल एक नंबर है खेल कर रहा यार, एक्सपेक्टेशन तो ये रहे हैं उसका जो था, बट रियलिटी ये नहीं रहता बेटा, रियलिटी में तो मम्मी चटका देती है उसको भाई, कपड़े गंदे करके आया, बट फिर भी है उसका वर्क डन वहाँ पर हुआ। अब ये माइंड में आने लगा कि पढ़ने से रिलेटेड बात हो रहा था तो वर्क डन जीरो, और वो खेल कर आया तो उसका तो वर्क डन हो गया, कंडीशन की बात करनी पड़ेगी तभी क्लियर होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, कि यार एक केस में वर्क डन नहीं हो रहा है और दूसरे केस में वर्क डन हो गया। चेक करते हैं, सो अगर इसका फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ, है उसके बाद हम लोग उसको डिफाइन करेंगे। वर्क डन का अगर मैं फॉर्मूला लिख दूँ आपको, दैट वर्क डन इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, इसके टर्म्स में हम लोग बात करते हैं, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ये तो लिख दिया। अब मैं फर्स्ट स्टूडेंट का बात करता हूँ जो एग्जाम में खूब अच्छे आंसर से लिख करके आया, बेटा एक जगह बैठा रहा भाई, डिस्प्लेसमेंट तो वही नहीं उसका, सो डिस्प्लेसमेंट तो जीरो, आल्सो कुछ भी फोर्स भी अप्लाई नहीं किया, चुपचाप बैठा रहा, एग्जाम लिखा, डिस्प्लेसमेंट तो बिल्कुल नहीं था और घर आ गया। पढ़ने से रिलेटेड भाई आपने फ़ोन ले लिया, वीडियो देख रहे हैं एक प्लेस पर बैठ करके, फोर्स भी नहीं अप्लाई कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट भी नहीं, सो बेटा आपका तो वर्क डन जीरो हो गया, अब क्लियर हो गया। और दूसरे केस में जो आपका वो फ्रेंड था जो हंस रहा था भाई, चिंटू, चलो नाम रख दिया उसका चिंटू, उसके केस में देखा जाए तो फुटबॉल खेलते टाइम क्या उसने फोर्स अप्लाई किया था, किया था, हाँ फुटबॉल के ऊपर किक किया था, और उस वजह से उस फुटबॉल का जो था वो डिस्प्लेसमेंट भी हुआ, नहीं समझ में आ रहा है,
चलो ऐसा ले लो, ये ग्राउंड हो गया यहाँ पे और ये फुटबॉल हो गया बेटा। यहाँ पे फोर्स अप्लाई किया है उस स्टूडेंट ने जिसका नाम मैंने ऐसे चिंटू रख दिया भाई, कहीं ना कहीं मिल जाएगा किसी के अगल बगल रहता होगा। फोर्स अप्लाई किया ड्यू टू दिस फोर्स, जो फुटबॉल था वो यहाँ पर आ गया, एक डिस्प्लेसमेंट हो गया इस बॉल में, एस ये आ गया डिस्प्ले। क्या इस केस में फोर्स है? हाँ बिल्कुल है। क्या डिस्प्लेसमेंट भी है? यस डिस्प्लेसमेंट भी है। तो बेटा चिंटू वाले केस में जो खेल कर आया था फुटबॉल वर्क डन हुआ, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों अगर हैं तो मेरा वर्क डन हुआ। ठीक है ये तो क्लियर हो गया। एक फैक्टर अभी और आने वाला है इसमें, एक फैक्टर भी और आएगा है, अभी तो हम लोग सिर्फ इंट्रोडक्शन ही चल रहा है। ये हो गया, एक दो एग्जांपल देता हूँ है, अब मेरे को बताना वर्क डन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फोर्स अप्लाई किया इस बोर्ड पे, बताना है वर्क डन होता कि नहीं है। बोर्ड पे फोर्स अप्लाई किया, खूब अच्छे से फोर्स खूब लगाया बेटा, फोर्स तो अप्लाई किया, क्या डिस्प्लेसमेंट हुआ? अपने जिधर है उधर ही रहे। सो फोर्स अप्लाई तो अच्छा खासा किया बट बिकॉज डिस्प्लेसमेंट जीरो, खत्म, वर्क डन भी नहीं हुआ, कुछ भी वर्क नहीं। नेक्स्ट एग्जांपल अगर हॉकी, हॉकी ले लो बॉल को, सेम यही हॉकी, स्टिक लिया बॉल को हिट किया, पोजीशन चेंज हुआ ड्यू टू दिस फोर्स, जो स्टिक से मैंने फोर्स अप्लाई किया बॉल पर, इधर से इधर आ गया भाई, फोर्स भी था और डिस्प्लेसमेंट भी हो गया, किसका? ऑब्जेक्ट का जिस पे फोर्स अप्लाई किया, खत्म, यहाँ पर वर्क डन है, दोनों है, फोर्स भी है और डिस्प्लेसमेंट। आप कोई भी एग्जांपल दे दूंगा ना आप बिल्कुल फटाक से बता दो कि सर वर्क डन हो रहा है वर्क डन नहीं हो रहा है, बस बोलने की ज़रूरत है, बोला नहीं मैंने फटाक से आंसर, ये तो क्लियर। ठीक है सो फॉर्मूला अगर मैं लिखूं वर्क डन के लिए, सो वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है ये फोर्स, ये फॉर्मूला आ गया अपने पास। ठीक है हाँ इंट्रोडक्शन तो हो गया कि फोर्स होना चाहिए और एक डिस्प्लेसमेंट। अच्छा सेकंड है थोड़ा सा और बात करते हैं, यह जरूरी है कि फोर्स ऑलवेज जो ग्राउंड है उसके पैरेलल में लगेगा? ऐसा समझो, देखो ऐसा समझो, ऐसा समझो सामने बॉक्स रखा था, सामने बॉक्स रखा था, मैंने बोला उसको ना फोर्स अप्लाई करना है, तो जरूरी कि मैं ऑलवेज यही फोर्स अप्लाई करूँगा जी? इनकेस ऐसा फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ तो भाई बिल्कुल ठीक है, ग्राउंड के पैरेलल लग रहा है तो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में हो गया। ठीक है बट अगर मैं एक बड़ा सा बॉक्स आपको बोलता हूँ कि यार इसको खींच करके ले जाना है, एक रस्सी बांध दिया और खींच के ले जाना है, ओ खींचे पड़े थे, खींचे पड़े थे, ठीक है खींच गया तो ठीक, अदरवाइज सेकेंड यहाँ रखना है पूरा स्ट्रिंग ऐसा पकड़ के और खींचना है। इस केस में क्या होगा यार? क्या फोर्स अभी भी, भाई बॉक्स तो नीचे रखा था, बॉक्स तो नीचे रखा था, ऐसा समझो फोर्स आपका अभी एंगल पे आने वाला है, ये ग्राउंड हो गया, इधर ये बॉक्स। सो फर्स्ट केस ऐसे पकड़ के मैंने खींचा, ये वाला केस ग्राउंड के बिल्कुल ठीक है खींच दिया तो ये वाला केस हो गया। अगर मैं खींच नहीं पा रहा था तो सेकंड ऑप्शन ये रहता है कि ऐसे घूमना है, यहाँ पे रखना है और ये ठीक है फोर्स अप्लाई किया। अभी कुछ फोर्स का जो डायरेक्शन रहेगा बेटा वो ग्राउंड से कुछ ऐसा रहेगा भाई, नहीं आप यहाँ पर हो, आपने यहाँ पे रखा और ये खींच दिया तो बॉक्स को जाना तो इधर चाहिए था, डिस्प्लेसमेंट तो इधर चाहिए था और फोर्स लग रहा इधर, अब क्या करें? एक एंगल भी बन गया दोनों के बीच में, यस यही तो वो है एंगल जो जो कंडीशन एक और मैं बात कर रहा था कि अभी वेट करेंगे, अब तीन हो गए मेरे पास, क्या करें इस फोर्स का? पूरा का पूरा फोर्स तो ऑब्जेक्ट को शिफ्ट नहीं कर रहा हॉरिजॉन्टल में, एक पार्ट इसका उस बॉक्स को लिफ्ट भी कर रहा है। अरे यार बॉक्स को खींच रहे हैं, जब ऐसे खींचोगे तो कुछ ना कुछ पार्ट तो उसका ऊपर हो जाएगा, वो फोर्स तो बेकार हो गया मेरे, वो फोर्स तो बेकार हो गया, मुझे तो वो यूजफुल वर्क चाहिए, फोर्स चाहिए जो इसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ले जाए और बेटा इस फोर्स को नीचे गिरा दो। जब इस फोर्स को नीचे गिराओगे ना तो ये जो बेस वाला आता है ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करेंगे, ये जो बेस वाला पार्ट आता है कॉस थीटा, ट्रिग्नोमेट्री देखना है तो मैथ्स में मेरा जो ट्रिग्नोमेट्री वाला चैप्टर अच्छे से देखो, ये जो पार्ट है आपका ये कॉस थीटा के टर्म्स में, तो बेटा यहाँ पे जो फोर्स का डायरेक्शन, ये जो आएगा फोर्स मेरे पास, ये सिर्फ और सिर्फ एफ कॉस थीटा बचेगा,
अभी डिस्प्लेसमेंट एस, फोर्स एफ कॉस थीटा, सो बेटा वर्क डन हो जाएगा, वर्क डन इक्वल टू एफ कॉस थीटा इनटू एस, ठीक है। इसके केस से ये था हमारा, इसके लिए डिफरेंट हो जाएगा, इस केस के लिए ये। सो बुक में जैसा लिखता है ना, वर्क डन इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, आ गया फॉर्मूला अपने पास, एक मस्त फॉर्मूला आ गया। वर्क डन किसी भी ऑब्जेक्ट का निकालना है तो अभी फिलहाल जो फॉर्मूला है दैट इज एफ एस कॉस थीटा। फोर्स होना चाहिए, और अगर फोर्स लगा तो भाई डिस्प्लेसमेंट भी होना चाहिए, और एक चीज़ थर्ड फैक्टर भी आ रहा है भाई एंगल। थोड़ी देर के लिए एंगल को रुकते हैं, एंगल को रुकते हैं, पहले हम लोग इसी के टर्म्स में स्टडी कर लेते हैं अच्छे से खूब, और फिर एंगल को ले आएंगे चुपचाप। क्वेश्चन एग्जाम में अगर ये आया दैट ऑन व्हाट फैक्टर्स वर्क डन बाय अ बॉडी डिपेंड्स, लिख लेंगे ऑन व्हाट फैक्टर्स वर्क डन बाय अ बॉडी डिपेंड्स। तो फैक्टर इज फर्स्ट क्या है मेरे पास, फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी, सेकेंड डिस्प्लेसमेंट, एंड थर्ड बेटा दिस थीटा, दिस थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। नोट किया, फर्स्ट फैक्टर फोर्स, सेकेंड इज डिस्प्लेसमेंट, एंड थर्ड इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अभी स्टूडेंट्स का ये भी क्वेश्चन रहता है, सर जरूरी कि फोर्स को नीचे गिराएं, आपने कहा फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट एक डायरेक्शन में ले लो, अगर मैं इस डिस्प्लेसमेंट को ऊपर उठा दूं, कर दो इस डिस्प्लेसमेंट को ऊपर कर दो, अगर डिस्प्लेसमेंट को ऊपर करोगे ये एस को, तो यहाँ तो एफ था बेटा, इस डायरेक्शन में पूरा का पूरा एस थोड़ा ना हुआ, कौन सा वाला पार्ट आएगा इसका, दिस एस कॉस थीटा। अभी मैं निकालूंगा, अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो एफ एस कॉस थीटा वही रहेगा, चाहे एफ को नीचे गिरा दो और चाहे एस को ऊपर कर दो, फॉर्मूला मेरे पास यही रहेगा, ठीक है। क्लियर, इतना इतना पार्ट तो क्लियर हो गया, फोर्स होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, और एक एंगल होना चाहिए बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। इंट्रोडक्शन का तो पूरा बात हो गया, हम लोगों को नोट करना है तो कर लो इसमें से, या मैं इसका भी अगर बोलूंगा डिफाइंड वर्क डन तो डिफाइन भी कर सकते हैं, दैट इट इज डिफाइंड एज द, इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, खत्म। बट अच्छा रहेगा पहले फॉर्मूला लिखो और फिर उसका ये स्टेटमेंट लिख दो, ठीक है। क्लियर हो गया, वर्क डन होता क्या है वो क्लियर हो गया, किस फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, किस कंडीशन पे डिपेंड करता है वो भी हम लोगों ने स्टडी कर लिया, ठीक है। अगर यहीं पर एक क्वेश्चन और आ जाए, ये क्या क्वेश्चन हो जाए, वर्क डन जीरो कब रहेगा यार, हाँ अंडर व्हाट कंडीशंस वर्क डन इक्वल टू जीरो कब रहेगा बेटा, अच्छा क्वेश्चन है आता है। सो कब हमारा वर्क डन जीरो हो सकता है, ओ भाई फोर्स ना लगाओ, फोर्स अप्लाई ना करो, ऐसे खड़े रहो, हैं खड़े रहो भाई, और गेट को खोलना है वो खड़े हैं ऐसे, वो खुल जा सिम सिम, खुल जा सिम सिम बोल रहे हो, खुलेगा थोड़ी ना, नहीं खुलेगा, फोर्स वैल्यू है नहीं है। और अगर जो मैंने इधर एग्जांपल दिया भाई बोर्ड और फोर्स अप्लाई किए पड़ा हूँ, और सामने दीवार है गिराना है, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं कर रहे हैं कर रहे हैं कुछ नहीं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं बट देर इज नो डिस्प्लेसमेंट, देन ऑल्सो वर्क डन इज जीरो। अच्छा और एक 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 ये बेटा, ये वैल्यू अगर जीरो हो जाए, कब जीरो होती है, व्हेन थीटा वैल्यू इक्वल टू 90 डिग्री, और अगर ऐसा होता है तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, दिस कॉस 90 वैल्यू होता है इक्वल टू जीरो, तब भी मेरा वर्क डन तो जीरो रहेगा, ठीक है। थोड़ा सा डिस्टर्बेंस रहेगा यार, ठीक है। थ्री कंडीशंस जिस पे हमारा वर्क डन डिपेंड करेगा वो क्लियर, किस कंडीशन में वर्क डन जीरो रहेगा वो भी डिपेंड, थ्री कंडीशंस, ठीक है। इतना नोट कर लो, फिर आगे करते हैं हम लोग, डन। किधर रफ कर दूं मैं, इसको रफ करता हूँ, चलो ये पार्ट, चलो पूरा करता हूँ मैं, पूरा रफ कर दूं, फिर से जो टॉपिक चाहिए उसके लिए फिर से मैं फॉर्मूला लिखूंगा। ठीक है, सो कंडीशन क्या कर लें अभी हम लोग, कुछ स्पेशल केसेस चलो करते हैं, स्पेशल केसेस, और इसके लिए फॉर्मूला में लिख देता हूँ, वर्क डन इक्वल टू वर्क
डन इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। फर्स्ट केस एंगल के टर्म्स में बात करने वाले हैं हम लोग, है एंगल के टर्म्स में बेटा। इन केस थीटा वैल्यू जीरो हो जाए, थीटा वैल्यू इक्वल टू जीरो क्या मतलब हुआ? एंगल जीरो हो गया, इट मीन्स फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन द सेम डायरेक्शन, आर इन द सेम डायरेक्शन। तो मेरा वर्क डन क्या रहेगा? सो वर्क डन इक्वल टू, वर्क डन इक्वल टू बेटा यहाँ जीरो डिग्री, कॉस जीरो वन, सो वर्क डन इक्वल टू एफ इंटू एस। ठीक है, हाँ ये तो क्लियर हो गया। चेक करो क्या यही मैक्सिमम वर्क डन रहेगा। यस, सो यही मेरा यहाँ पर मैक्सिमम वर्क डन। सेकंड केस, इफ थीटा इक्वल टू बेटा 180 डिग्री, हाँ ये समझ में आया, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन, इट मीन्स ये अगर ऑब्जेक्ट है मेरा यहाँ पर, ठीक है ये ऑब्जेक्ट, देन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में, ठीक है थीटा 180, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में, अगर इधर कहता है फोर्स तो डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन। अभी एग्जांपल का बात कर लेंगे कि किस केस में ये पैलर एक साइड में होने वाला है सेम डायरेक्शन में, किस केस में अपोजिट रहेगा। ठीक है बेटा 180 यहाँ पुट करो, कॉस 180 की वैल्यू होती है माइनस वन, सो वर्क डन इक्वल टू, वर्क डन इक्वल टू भाई एफ इंटू एस तो रहेगा, और कॉस 180 की वैल्यू होती है माइनस। अभी भी बेटा वर्क डन मेरा मैक्सिमम रहेगा बट इन अपोजिट डायरेक्शन, अभी भी वर्क डन मैक्सिमम है बट इन अपोजिट डायरेक्शन। एंड थर्ड केस, थर्ड केस बड़ा प्यारा होता है, थर्ड केस बड़ा प्यारा है, व्हेन थीटा वैल्यू इक्वल टू 90 डिग्री, कॉस 90, अरे ये रहा यार कॉस 90 जीरो, फोर्स भी है डिस्प्लेसमेंट भी है, बट फिर भी एक कंडीशन ऐसा आएगा हमारा जब वर्क डन जीरो होगा, और उस केस में वर्क डन इक्वल टू जीरो। इधर क्या हुआ हमारा? फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर परपेंडिकुलर, ठीक है फोर्स अगर सामने जा रहा है तो डिस्प्लेसमेंट या तो नीचे को या फिर ऊपर को, है 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है अच्छे केसेस हमारे थे, कोई ना कोई क्वेश्चन इसमें से आ जाता है। ठीक है ये तो क्लियर हो गया, कुछ एग्जांपल का भी इसी में बात कर लेते हैं चलो, हैं कुछ एग्जांपल्स, और उसके लिए मैं वर्ड दे दूंगा यहाँ पर पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क और जीरो। इधर जो मेरा फर्स्ट केस था ये मेरा केस हो जाएगा पॉजिटिव वर्क डन, पॉजिटिव वर्क डन कब? व्हेन थीटा इक्वल टू जीरो, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन द सेम डायरेक्शन। कौन सा केस होगा ऐसा? किसी ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करना है ऊपर को, मेरे टर्म्स में देखना बेटा फोर्स किधर को अप्लाई करूँ मैं, ऊपर को जा रहा है, और ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट वो भी ऊपर को हो रहा है, बोथ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन सेम डायरेक्शन, तो वर्क डन बाय मी इज पॉजिटिव। आप सही है, अब क्लियर हो गया कि कौन से केस में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट मेरा सेम डायरेक्शन में रहेगा। अगर ऐसा होता है देन वर्क डन देखो यहाँ पे दिख रहा है पॉजिटिव प्लस, इधर पे वर्क डन प्लस। एक और एग्जांपल, बाइक या साइकिल ले लो और फोर्स अप्लाई किया, साइकिल फोर्स अप्लाई किया, सो टू दैट फोर्स जो मेरी साइकिल जाने वाली है वो आगे जाएगी, अगेन वर्क डन इज पॉजिटिव। ठीक है दो केसेस ये, इधर इस केस में व्हेन थीटा वैल्यू इक्वल टू 180 देन वर्क डन इज नेगेटिव, देन वी हैव नेगेटिव वर्क डन। एग्जांपल ले लें इसका, बड़ा प्यारा सा एग्जांपल, ऑब्जेक्ट को ऊपर घुमाया, ऊपर उठाया मैंने, ध्यान से सुनना बड़ा मजा आएगा इसमें, ऑब्जेक्ट को मैंने ऊपर उठाया, वर्क डन बाय मी तो पॉजिटिव था, पर बेटा ग्रेविटी क्या बोलेगा? ग्रेविटी ये बोल रहा है कि यार मैं तो नीचे को लगूंगा, अगर ये ऊपर वाला फोर्स हट गया ना तो ऑब्जेक्ट को कह रहा है बेटा तुमको नीचे ले आऊंगा मैं, चलो कितना ऊपर जाने जाऊँ,
अगर एक्सटर्नल फोर्स हट गया तो तुमको नीचे ही आना है। बट मैंने क्या बोला ना, ऑब्जेक्ट ऊपर चल भाई, ऊपर चल ऊपर चल। वर्क डन बाय मी बेटा वो तो पॉजिटिव है, बट वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स वो नीचे देख रहा है, बेटा नीचे आ जा, नीचे आ जा, नीचे आ जा, बट ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है। बेटा अपोजिट है, अपोजिट है। सो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स वो नेगेटिव हो गया, ये क्लियर हो गया। एक और एग्जांपल ले लो, एक और एग्जांपल, स्प्रिंग पकड़ के रखा यहाँ पे, यहाँ से खींच दिया मैंने, मेरा फोर्स किधर को लग रहा है, आउटसाइड, और डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ, बाहर को। अगेन वर्क डन बाय मी इज पॉजिटिव, ठीक है, लेकिन क्या वहाँ पर एक फोर्स और होगा, एक वहाँ पर और फोर्स होगा जो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा होगा। देखो पकड़ के रखा मैंने, एक फोर्स यहाँ पे रीस्टोरिंग फोर्स, वो एक्सटर्नल फोर्स को क्या कह रहा होगा या स्प्रिंग से क्या बोल रहा होगा, एक बार एक्सटर्नल फोर्स हटने दो फिर बताते हैं तुमको, वहीं ना ले आए तो बताएं तुम्हें, एक बार हटने दो इन्हें, खींचे पड़ो। तो बेटा मेरा फोर्स तो बाहर को और डिस्प्लेसमेंट भी बाहर को, तो वर्क डन बाय मी वो फिर से पॉजिटिव, और जो रीस्टोरिंग फोर्स था वो तो पीछे को लग रहा है, अगर वो ना होता तो मैं आराम से नहीं खींच लेता, कोई ना कोई फोर्स था जो मुझे ऐसा करने से रोक रहा था। रीस्टोरिंग फोर्स जो स्प्रिंग में था वो अपोजिट डायरेक्शन में, अगर मैं स्प्रिंग को कंप्रेस करता हूँ यहाँ फिक्स कंप्रेस, सो अंदर को मेरा फोर्स इधर को, डिस्प्लेसमेंट भी अंदर को, वर्क डन बाय मी इज पॉजिटिव, फिर से एक फोर्स लग रहा होगा आउटसाइड जो स्प्रिंग से कह रहा होगा अबे रुक जाओ हटने दो इसे, फिर बताते हैं हम कौन है, और जैसे ही हटेगा वर्क डन बाय रीस्टोरिंग फोर्स कैसा हुआ बेटा, नेगेटिव। सिंपल सा ये बात करूं, अगर किसी भी बॉडी का जो नेचर है उसके अपोजिट अगर मैंने काम कराया, ऑब्जेक्ट को मैंने बोला ऊपर चलोगे क्या, वो बोला नहीं ऊपर नहीं जाएंगे, वरना चलना पड़ेगा, उसके नेचर के अपोजिट हमने उससे बोला काम करो, उसके लिए तो नेगेटिव वर्क डन। ऐसे स्प्रिंग में चुपचाप बैठा इसे, हमका बाहर चलोगे क्या, तुम्हें थोड़ा सा खींच दे, बड़ा कर दे, तुमको लंबा कर दे हम आज, अगर नहीं अगर करोगे तो हमारा एक फोर्स जो तैयार बैठा है वो अंदर को खींचेगा। सो वर्क डन भाई दिस रिस्टोरिंग फोर्स वो भी नेगेटिव, किसी भी बॉडी का जो नेचर होता है उसके अपोजिट काम करेंगे नेगेटिव वर्क डन। जो करना नहीं चाह रहा था उसे हमने बोला करो, तुम्हारे केस में यार अब पढ़ाई करो पढ़ाई करो पढ़ाई करो, पढ़ने का मन है तो ठीक है, और नहीं है तो वैसे होता ही नहीं है, तो तुम्हारे केस में अगर मैं बोलूँगा पढ़ाई करो नोट करो नोट करो, ठीक है ठीक है ठीक है, तो तुम्हारे केस में भी नेगेटिव वर्क डन ही होता है। एग्जाम में तो लिखना पड़ता है भाई, छापना पड़ता है, क्या करें पढ़ाई करें मजबूरी है, और बाकी ऐसे देखा जाए ऑलवेज अभी भी बैठे होंगे नोट करेंगे नेगेटिव वर्क डन, वो पता लगा एग्जाम में अपना एग्जाम्पल देकर आ गए, सबसे बेस्ट आप ही का एग्जाम्पल छाप देना हो गया, ठीक है। ये तो दो क्लियर। थर्ड केस वर्क डन जीरो, सबसे बेस्ट इसमें भी रहता है वो कुली वाला केस बनता है, हैं कुली ने लगेज सर पे रखा था, लेकिन बेटा यहाँ पर भी एक रहता है वर्क डन बाय कुली अगेंस्ट द दिस अगेंस्ट द ग्रेविटी अगेंस्ट द लोड, उसमें नेगेटिव रहता है। ग्रेविटेशनल फोर्स कह रहा है उस बॉक्स को जो सर पे रखा था, कह रहा है तो हम नीचे गिरा देंगे नीचे गिरा देंगे, उस सर पे रखा है वो कह रहा है सर को हट, सर ने बचा के रखा है भाई, नहीं तो मैं सर नहीं भाई वो के सर। डिस्प्लेसमेंट कुली तो जाना चाहता है आगे, और जो ग्रेविटेशनल फोर्स जो ऑब्जेक्ट का था वो नीचे लग रहा है, 90 डिग्री आ गया, खत्म हो गया 90 डिग्री। वर्क डन जीरो, वर्क डन बाय कुली अगेंस्ट द लोड, वर्क डन बाय कुली अगेंस्ट द लोड, खत्म जीरो। एक तो ये बेटा, एक बड़ा प्यारा जो सेकंड आता है हमारा एग्जांपल, सेंट्रीपिटल फोर्स वर्क डन बाय अ बॉडी मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, बड़ा प्यारा क्वेश्चन इसमें से आता कई बार आया है, वर्क डन बाय बॉडी मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ ऑलवेज जीरो। कैसे, प्लैनेट्स के केस में ले लो, मून का ले लो, फैन का ले लो, और भी ले लो जो भी एग्जांपल है तुम्हारे, इलेक्ट्रॉन्स का ले लो यार, सर्कुलर मोशन थोड़ा सा घूमा नहीं कि वर्क डन खत्म जीरो। वर्क डन बाय अ बॉडी मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ इज ऑलवेज जीरो। बेटा ये नहीं बोलना, देखो यहाँ पे मिस्टेक्स क्या होता है, बच्चे कहते हैं सर वो डिस्प्लेसमेंट जीरो हुआ होगा तो वर्क डन जीरो, वो पागल हो गया भाई, जब मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा सा भी घूमेगा तो वर्क डन जीरो, वो घूम के दोबारा आया तब तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो, थोड़ा सा भी घूमा। फर्स्ट चैप्टर नहीं देखे, फर्स्ट चैप्टर वीडियो सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं देखा तो जाके देखो, सेंट्रीपिटल फोर्स डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर अंदर को रहेगा जी। बेटा ये एंगल 90 रहता था, ये तो ऐसे समझ जाओ
नहीं तो थोड़ा सा टेंजेंट वाला केस में होता है, रेडियस टेंजेंट मेक्स एंगल 90 डिग्री। तो जब वो 90 डिग्री है, क्या यहीं पे 90 डिग्री बनाएगा? ना, ये जो छोटा सा प्यारा सा नन्ना सा बच्चा यहाँ बैठा था, एक छोटा सा पार्टिकल है, चांद तारे कोई भी ले लो यार, ये लो चांद को ले लिया भाई। कुछ टाइम के बाद वो बोला मैं यहाँ आ गया हूँ। बोला ठीक है, तो क्या हो गया, तुम यहाँ पर आए हो तो तुम्हारा फोर्स ये और ये हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट खत्म, तुम कहीं भी घूमो छोड़ेंगे नहीं तुम्हें, तुम कितनी भी मेहनत करो, कितना भी फोर्स लगाओ, कितना भी डिस्प्लेसमेंट करो, 90 डिग्री से नहीं बच पाओगे, तुम्हारा वर्कडन तो जीरो ही रहेगा, सालों साल घूमते रहो, फैन ऑन किया वर्कडन जीरो, और बिजली का बिल नहीं देंगे, कैसे नहीं दोगे कैसे नहीं दोगे तुम बिजली का बिल, वर्कडन जीरो है तो नहीं दोगे, है दोगे, दौड़ के दोगे। ठीक है, क्लियर, कब पॉजिटिव होने वाला है, कब नेगेटिव, और कब हमारा जीरो, क्लियर हो गया। और थोड़ा सा इसमें न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं, थोड़ा सा एक और रुको, SI यूनिट्स उसका बात कर लेते हैं, और एक बड़ा प्यारा सा CGS यूनिट के टर्म्स में रिलेशन, और देख लेते हैं वन अभी बात करते हैं, वन यूनिट मैं नहीं बोलूँगा, SI यूनिट नहीं बोलने वाला, अभी लिखूँगा, करता हूँ इसको रफ, इसको कर लेते हैं रफ, कुछ आइडिया? बिल्कुल है, बिल्कुल आइडिया लग रहा है सर, वर्क डन का फॉर्मूला जो था वो था फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स के लिए होता है न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट के लिए होता है मीटर, तो न्यूटन मीटर जाना पहचाना है, न्यूटन मीटर तो फर्स्ट चैप्टर में भी आया था यार, वो टॉर्क के टर्म्स में बोला था, टॉर्क इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सर वहाँ भी न्यूटन मीटर बोला था, यहाँ भी न्यूटन मीटर, क्या दोनों खो गए थे क्या कहीं, दोनों का यूनिट तो एक ही है भाई, घर का नाम तो एक ही है, और बाहर का नाम स्कूल का नाम अलग अलग कैसे हो गया भाई, पहचानेंगे कैसे इनको, कैसे पता लगेगा कि ये कौन सा है वर्क डन, अगर यूनिट लिख दिया, और वहाँ वाले केस में कैसे पता लगेगा कि भाई वो टॉर्क है, फॉर्मूला लिखते हैं, चलो अभी क्लियर हो जाएगा, वर्क डन इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। ठीक है, तो ये आप अगर ऐसे बोलोगे कि सर इसके यूनिट न्यूटन मीटर है, ठीक है, इसकी यूनिट बेटा थोड़ा सा चेंज करते हैं हम लोग, देखो डिस्टर्ब हो रहा है, बस यही तो एक प्रॉब्लम है यहाँ पर, वर्क डन, वर्क डन के लिए जो SI यूनिट रहने वाला है, SI यूनिट वो रहेगा मेरा जूल। ठीक है, क्यों ऐसा है, स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, तो कुछ ना कुछ इसको अलग करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ लिख भी देता हूँ, SI यूनिट हो गया, CGS यूनिट भी यहाँ पर लिखता हूँ मैं, CGS यूनिट और ER जी, रिलेशन निकालें क्या, रिलेशन निकालते हैं, SI यूनिट एंड CGS यूनिट, SI एंड CGS यूनिट का रिलेशन निकाल देते हैं वर्क डन में। अच्छा अच्छा अच्छा, तो इधर से अगर मैं देखूं तो ये हो गया 1 जूल, और 1 जूल बोले तो यहाँ पे हो जाएगा 1 न्यूटन, और ये मीटर 1 न्यूटन, 1 न्यूटन मीन्स 10^5 डाइन, और मीटर मीन्स हो जाएगा 10^2, 100 होता है, ठीक है, 10^2 सेंटीमीटर, तो बेटा 1 जूल इक्वल टू 10^ ये 5 और ये 2 7 डाइन सेंटीमीटर, सो दिस 1 जूल इक्वल टू 10^7 भाई डाइन सेंटीमीटर, तो हमारा यूनिट था CGS यूनिट था, जो टॉर्क के केस में हमने बात किया, इधर हमारा जो है 9 सेंटीमीटर वो कन्वर्ट किया ERG। ठीक है, इसको याद रखना, इंपॉर्टेंट रिलेशन है, 1 जूल इक्वल टू 10^7 आर्ज, ठीक है, एक तो ये हो गया बेटा, स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है, इट्स अ स्केलर क्वांटिटी, कैसे मालूम हुआ, कैसे मालूम हुआ कि ये स्केलर क्वांटिटी है बेटा, कॉस थीटा दिख गया था तो मेरा स्केलर क्वांटिटी हो गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, इसको नोट कर लो, दो बड़े छोटे छोटे से न्यूमेरिकल करेंगे, आज का काम खत्म यहीं पर, आज का काम यहीं पर फिनिश कर देते हैं हम लोग, इंटू 10^2 सेंटीमीटर। ठीक है, बहुत इधर ही लिख देता हूँ, चलो इधर ही मैं कर देता हूँ, बहुत पिते पिते से क्वेश्चन बिल्कुल दम नहीं रहेगा। फर्स्ट क्वेश्चन, इफ दिस फोर्स इक्वल टू 5 न्यूटन एंड डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू 2 मीटर,
तो बेटा वर्क डन कितना हुआ? सर क्या क्वेश्चन दिया एक है, वर्क डन इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, एफ इंटू एस होता है, फाइव इंटू टू इक्वल टू टेन जूल, खत्म हो गया। क्या था इसमें, एक और ले लो करेंगे। इंट्रोडक्शन था तो हमेशा जितने भी हम लोग अभी तक करते हैं इंट्रोडक्शन में बड़े बिल्कुल नाम के क्वेश्चन लेते हैं, एक बार सब फिनिश क्वेश्चन अच्छे लेकर के आएंगे। चलो ये लो फिर से, फोर्स इक्वल टू फाइव न्यूटन ही लो, डिस्प्लेसमेंट टू मीटर, बट बेटा अभी एंगल दे दिया, एंगल इक्वल टू 45 डिग्री। किसके किसके बीच में एंगल देगा ये, बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। सो वर्क डन इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, फाइव इंटू टू इंटू कॉस, और ये 45 कॉस 45 वन बाय रूट टू, तो ये हो जाएगा इधर 10 अपॉन रूट टू इंटू रूट टू अपॉन रूट टू, 10 रूट टू अपॉन दिस रूट टू, रूट टू तो टू। सो आंसर 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 यहाँ लिख देता हूँ मैं, 5 रूट टू जूल, खत्म हो गया क्वेश्चन। ठीक है, बाकी अच्छे क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट क्लास में है, थोड़ा सा हम लोग एनर्जी वगैरह स्टडी करेंगे, पावर स्टडी करेंगे और फिर लेकर के आने वाले हैं। ठीक है, कुछ भी नहीं था, सिंपल सा हमारा था, फर्क को स्टडी कर लिया, बाकी दो ये एनर्जी और पावर यहीं से लेकर के आने वाले हैं। चलो फिनिश करो और नेक्स्ट क्लास जल्दी है, जल्दी से आपका नेक्स्ट जो एनर्जी है वो आने वाला है।